आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम कंसिडर लीनियर सिस्टम डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू यू लेट मान लिया, तो डी वाई बाई डी टी बराबर सी एक्स प्लस डी वाई उसको वी मान लिया, वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इफ ए बराबर यू एक्स यू वाई अपॉन वी एक्स वी वाई है। सेकेंड रो में सपोज लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, कि हम जो ये बना रहे हैं उसके अंदर आइगन वैल्यूज हमारे पास ए की आइगन वैल्यूज आ रही है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, तो हम स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम ये टेबल का यूज़ करेंगे। यदि जो आइगन वैल्यूज आई है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू रियल है और इक्वल नहीं है, लैम्डा वन नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टू है एंड ऑफ सेम साइन मतलब एक ही साइन की है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका नेचर होगा नोड। एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ़ रूट्स आर नेगेटिव, यदि नेगेटिव हो गए रूट्स दोनों, रियल तो है ही हमारे पास और इक्वल भी नहीं है, अगर दोनों ही एक ही साइड है तो हमारे पास क्या हो गए नेगेटिव है तो स्टेबल हो गए, जबकि पॉजिटिव रूट्स है तो हमारे पास अनस्टेबल हो गए। अब है हमारे पास रियल अनइक्वल एंड अपोजिट साइन, हमारे पास ऊपर क्या था सेम साइड के थे, अगर अपोजिट साइड के है तो हमारे पास नेचर कैसा हो जाएगा अनस्टेबल होगा और जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमारे पास सैडल पॉइंट होगा। अब हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो एक ही साइड हो गए, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि एक ही साइड है तो नोट, और एसिम्प्टोटली स्टेबल इफ़ रूट्स आर नेगेटिव अदरवाइज अनस्टेबल, पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल होगा। प्योरली इमेजनरी दैट इज़ रियल पार्ट जीरो होगा, तो हमारे पास जो नेचर होगा क्रिटिकल पॉइंट का वो होगा सेंटर एंड स्टेबल हो गए बट नॉट एसिम्प्टोटली स्टेबल, मतलब स्टेबल तो हो गए पर एसिम्प्टोटली स्टेबल नहीं होगे। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजनरी, मतलब जैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म के हो गए तो स्पायरल पॉइंट होगा एंड अनस्टेबल इफ़ रियल पार्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव, यानी अल्फा है जो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगी अनस्टेबल हो जाएगी।